गाइस पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3 IGI और मुझे अभी कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यार फ्लाइट का जो भी सीन था वहाँ पर दिखा नहीं रहा है, तो मैं कह रहा हूँ अब इंडिगो वाले काउंटर पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। तो भाई अभी एक सीन हो गया यार, मैं गलती से ना अपना वीज़ा का फ़ोटो कॉपी लाना भूल गया। तो अभी उन्होंने बताया है कि इंडिगो के कस्टमर सर्विस जो काउंटर है उधर से मुझे एक फ़ोटो कॉपी लेना पड़ेगा, क्योंकि इमिग्रेशन में बिना डिजिटल वाला नहीं चलेगा, मुझे फ़ोटो कॉपी चाहिए होगा। तो सीधे वहाँ जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं वीज़ा का फ़ोटो कॉपी लेके। बस यार जल्दी से अंदर चेक इन हो जाए सब। तो भाई सामने है इंडिगो का ऑफिस, तो उसे निकाल लेते हैं। तो मैं वीज़ा का फ़ोटो कॉपी ले चुका हूँ, बोर्डिंग पास ये रहा, अब चलते हैं अंदर। भाई फाइनली बोर्डिंग पास और इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू गो टू 15A। या ग्रेट स्माइल, लेकिन एक सेकेंड इतना ग्रेट स्माइल। ओ भाई थक गए आज तो यार, फाट लग गई हैंगर अकेले आने में, हैंगर हालत ख़राब हो गई। तो बेसिकली हमें जाना है गेट नंबर 15 पे, फिर वहाँ पे लगेज रखेंगे, थोड़ा सा पानी पियेंगे, खाना भी नहीं खाया सुबह से, एक मैंने सैंडविच खा लिया था, अलीशा लाई थी जो, तो ये सीन है। अब चलते हैं सीधे गेट नंबर 15 पे, थोड़ा सा आगे का दिखा देता हूँ आपको। ये है कुछ सीन भाई, सुबह से अभी एक पहला सैंडविच खाया मैंने, मज़ा आ गया, एक नंबर, इतनी ख़तरनाक भूख लग रही थी ना मुझे। ओ भाई चक्कर से आ रहे थे, अब मतलब सब काम हो चुका है ना यार, सीन होता है यार भाई इंटरनेशनल में बड़ा गंदा सीन होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोक लेते हैं, तो इसलिए यार पहले मैंने कहा काम कर लेते हैं सारा, उसके बाद खाना पीना सब हो जाएगा। अब बैठ गए बढ़िया, गेट सामने ही है, जब भी कॉल होगा अपनी फ़्लाइट का चल देंगे, टेंशन फ्री है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले ये होता है यार पहुंचना है, इमिग्रेशन करना है, वीज़ा निकालना है, 10 चीज़ है, तो टाइमली पहुंच गए, सब कुछ हो गया, बढ़िया है। अब क्या बात करें फिर आपसे, दुबई पहुंच के होगी इंटरनेशनल बातें, बातचीत होगी इंटरनेशनल वाली। तो वही कॉल आ गई है, लाइन में लगे हैं, बट एक चीज़ है वो डिस्प्ले में इतनी देर से चल रहा है, फाइनल कॉल चूतिया बना रहे, इतनी देर से फाइनल कॉल, एक घंटा होने वाला है। सो गाइस पहुंच गए हैं फाइनली इन दुबई, बैक अगेन, यस मजा आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा है लेकिन आप लोगों को आ रहा होगा ये वीडियो देख के। पहुँच चुके हैं दुबई भाई, अब जा रहे हैं लगेज के लिए, फिर जाएंगे बाहर, फिर टैक्सी देखेंगे अपने होटल की, हाँ नहीं आई होगी तो फिर इन्फॉर्म करेंगे। तो जाते हैं सामने, बैगेज लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और टाइम हो गया है 9:50 हो गया यार। सो बाहर जाके मिलते हैं, चेकआउट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। सो भाई हमारे फ्रेंड मिले हैं इंडिया से, और बढ़िया, भाई का नाम क्या है? शुभम भाई मिले हैं, शुभम भाई भी आ गए हैं वीडियो में। तो बेसिकली दुबई जब आते हैं हम लोग, यहाँ पे एयरपोर्ट से उतरते हैं, तो सेकंड टास्क होता है, जो यहाँ पे आपको एक ट्रेन दिख रही होगी, यहाँ से आपको बैगेज काउंटर तक जाना है, और एग्ज़िट काउंटर भी वहीं होगा, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, सीधे यहाँ आना है, यहाँ से मेट्रो मिलेगी, बैठना है और सीधे बैगेज काउंटर पे पहुँचना है, अगर लगेज है तो वहाँ से लगेज उठाना है और फिर सीधे वहीं से एग्ज़िट होना है। मिलते हैं, लगेज उठाते हैं, फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू भाई, थैंक यू। सो बेसिकली ऐसी एक मेट्रो की तरह एक ट्रेन होती है, तो यहाँ से आपको जाना है बैगेज काउंटर में, इसी ट्रेन में वहीं बैगेज भी मिलेगा और वहीं एग्ज़िट काउंटर मिलेगा। भाई यही ट्रेन अब हमें जो लाई थी वो लेके जाएगी यहाँ से, जिन लोगों को इंडिया जाना है तो वो उस तरफ से जाएंगे। अब तो देखो ट्रेन बंद हो गई, अब उधर जाएगी, हम लोग लेते हैं अपना बैगेज, फिर मिलते हैं आपसे।
अभी जो लाइन दिख रही है यहाँ पर होता है डिजिटल यहाँ से एग्जिट, और अगर यहाँ से ना हो तो परेशान नहीं होना है, आगे जाके मैनुअली भी होता है, तो किसी किसका स्कैन नहीं होता है तो वो मैनुअली भी कर सकता है, तो परेशान नहीं होना है। तो वही एग्जिट तो हो गया, पिछली बार मेरा एग्जिट नहीं हुआ था, इस बार हो गया स्कैन होके, और पहले मिलता था सिम, आज सिम नहीं मिला, पता नहीं माइट भी कुछ होगा, फर्स्ट टाइम विजिटर्स को ही मिलता होगा। तो बैगेज यहाँ पे आ चुके हैं, बैगेज यहाँ पे आ चुके हैं, और इनकेस अगर आपका बैगेज यहाँ नहीं आता है तो वो साइड रखे होते हैं, जैसे वो रखे हो तो वहाँ भी चेक कर लिया करो, वहाँ साइड रख देते हैं, वो जो बार बार घूमते रहते हैं ना जो, उनको साइड रख देते हैं। तो हम ना बैगेज ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो वही हमारी बैगेज 4 नंबर वाली लेन में है, हम लोग गलत लेन में थे, 4 नंबर लेन पे जाते हैं, अपना बैगेज उठाते हैं, फिर करते हैं एग्जिट और करेंगे सबको फ़ोन, बिकॉज मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका है ऑलमोस्ट, आई थिंक मेरा बैग वो तो नहीं जा रहा है, नहीं वो नहीं है मेरा बैग, देखते हैं ये कहीं आ गया होगा, चलें। तो भाई एयरपोर्ट में लेने आ रहे, देख रहे हो बातचीत समझ रहे हो भाई की कितनी है, महंगा लोग महंगे लोग हैं हम। श्रेष को फ़ोन कर देता हूँ, उसको बता देता हूँ कि लेने आ गए थे, उसको पता नहीं है, भैया आए लेने आए, तो रिचार्ज करा रहे पार्किंग का, तो उसके बाद वहीं जाके मिलूँगा, बहुत थक गया हूँ भाई, वहीं जाके होगी मुलाकात चीत और बातचीत सारी, ठीक है ओके। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही है, कर दो यार, कर दो प्लीज़ यार, कर दो, इतनी गर्मी में यहाँ आया हूँ मैं, इस बार तो जहाँ जहाँ घूमना है तुमको सब नीचे कमेंट करो, जल्दी वहाँ घूमेंगे, आइए हमें लेने के लिए और भैया आए हमें लेने के लिए, बढ़िया। सो वी आर इन द होटल एंड द रूम नंबर इज 129, जस्ट चेक इन एंड देन आफ्टर मीट यू। तो भाई ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं, और ब्रेकफास्ट में हमने लिया है ये अच्छा है, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर जाते हैं ऊपर, गले में बहुत दर्द हो रही है, ठंड लग गई। फिर मिल पाते हैं आपको आज सबसे, है ना।